केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री भूपेश बघेल पर पीएम आवास योजना के तहत गरीब और आदिवासियों को मकानों से वंचित रखने का आरोप लगाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों की राशि का उपयोग नहीं किया। केंद्र पैसे भेजती थी और पूर्व मुख्यमंत्री अपना शेयर नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि योजना के पात्र गरीब और आदिवासी जनों को मकानों से वंचित रखा गया। मकान बनने थे, एक मकान नहीं बनने दिया। स्टेट शेयर जो चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए, राज्य का पैसे ही नहीं दिया। केंद्र यहाँ से पैसे भेजती रही और वो अपना शेयर नहीं देते थे, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। वो पैसा उन्हें वापस भेज दिया और हजारों गरीब आदिवासी और बाकी गरीब भाई और बहनों को मकान से वंचित करने का पाप। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में 18 लाख गरीब लोग पीएम योजना के लाभ से वंचित रह गए। उन्होंने कहा कि अब दोबारा केंद्र के साथ चर्चा कर इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए लाभार्थियों को मकान मिल सके, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। 5 वर्षों में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से वंचित, क्योंकि वहाँ की तत्कालीन सरकार अपना राजांश जमा नहीं की। केंद्र से लगातार पत्र भी भेजा गया और केंद्रांश भी गया, केंद्रांश वापस भेजा गया, उसके बाद भी 18 लाख लोग गरीब लोग वंचित हो गए। जो लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए, डिप्टी सी एम के पास पंचायत विभाग भी है, अधिकारी लड़ाए, बहुत अच्छी यहाँ पर चर्चा हुई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।